ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਪੈੜਾ ਏ ਮੜਾ ਖੈੜਾ ਏ ਆਉ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਯੱਤੀ ਜੱਟ ਪੈੜਾ ਏ ਕੋਦੀ ਮੁੱਟ ਦੀ ਕਮੇ ਗਾਇਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਸੋ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਜਿਮਨੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭਾਈ ਹਮ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ काफी अच्छे सेटअप इसके अंदर भाई होने वाले हैं। आपको मैं एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। तो भाई ये देखोगे पूरी गाड़ी के अंदर काफी तगड़ा सेटअप हमारा आज लगने वाला है। तो वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ गाड़ी में अंदर भाई क्या क्या लगने वाला है एंड कैसे हम उसको इंस्टॉल करेंगे। आज मैं हूँ एक्सेसरीज द शॉप ही जो कि हमारा लोकेटेड है पालिका भवन अंकुश भैया के पास। उनके कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर होगी, आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। एकदम ब्रांड न्यू जिमनी टॉप मॉडल अल्फा मॉडल है। इसके अंदर भाई हमें ऑडियो ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो भाई इसके अंदर लगा रहे हैं हमारे अंडर सीट वूफर, दो पेयर ऑफ कंपोनेंट्स एंड एक फोर चैनल एम्पलीफायर। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं मैं रियर से तो भाई रियर में हम इसके अंदर लगा रहे हैं जीएल ऑडियो का C1650 ये वाला कॉम्पोनेंट हम इसका रियर में लगाने वाले हैं। फ्रंट में हम इसका लगाने वाले रॉकफोर्ड फोर्सगेट का पावर सीरीज जो कि हमारी फ्रंट में लगने वाली। भाई आप चेकआउट करोगे अभी भाई जैसे पूरा काम कंप्लीट होगा आपको मैं इसका जो ऑडियो सेटअप है वो भी पूरा चेकआउट कराऊंगा। जो ऑडियो का रिस्पॉन्स आने वाला है वो पूरा चेक कराऊंगा। एल्पाइन का भाई इसके अंदर हम फोर चैनल एम्पलीफायर लगाने वाले हैं, ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसके भाई आपको मैं अंदर से भी एक बार दिखाता हूँ कि जो हम लगा रहे हैं भाई वो क्या चीज़ है। सो भाई फ्रंट में जो हमारा कंपोनेंट है भाई वो हमारा कुछ ऐसा होने वाला है, ये आप देखोगे। ये हमारा फ्रंट का कंपोनेंट है भाई रॉकफोर्ड फोर्सगेट पावर सीरीज का, ये आप चेकआउट करोगे, ये आप देख रहे हो भाई। एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर से कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट से बताना ना बोलना आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। पूरी गाड़ी के अंदर भाई ड्यूल डैम्पिंग होने वाले डॉक्टर आर्टेक्स की, यहाँ हमारी देखो कॉपर डैम्पिंग है। अंदर की शीट हमारी इधर है, ये देख रहे भाई ये हमारी अंदर वाली लेयर है एंड ये हमारी बाहर वाली लेयर है। तो डैम्पिंग से भाई काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है आपकी गाड़ी की जो हैवीनेस है भाई वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। डोर की क्वालिटी आपको मैं दिखाता हूँ भाई, देखो ये आप देख रहे हो कितना फर्क आता है हमारा स्टॉक से। जो साउंड की क्वालिटी है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हमारी बाहर से जो रैटलिंग साउंड है वो गाड़ी के अंदर जो है काफ़ी जो है भाई काफ़ी हद तक कम हो जाती है, हमेशा ख़त्म ही हो जाती है। रियर से भी आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई कैसे लुक आने वाली है। तो रियर में भाई हमारा कॉम्पोनेंट का जो पेयर है वो हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो ये आप देखोगे पूरा अपना रिंग गार्ड के आसपास लगा के करा है, ये आप देख रहे हो भाई ये हमारा C1650X कंपोनेंट रियर में ये मैंने लगाया है। डैम्पिंग की पीछे वाले गेट पे भी आप देख सकते हो। बाकी भाई ये है हमारे कंपोनेंट का क्रॉसओवर, ये भाई आप कह रहे हो कि छोटा सा है लेकिन भाई ये कंपोनेंट एक अपने बजट के हिसाब से काफ़ी एक अच्छा ऑडियो रिस्पॉन्स हमको देता है। तो ये क्रॉसओवर है हमारा जो पीछे अपना C1 का होने वाला है। बाकी भाई जैसे मैंने आपको बताया था हमारा फोर चैनल एम्पलीफायर एल्पाइन का होने वाला है। सो भाई ये है हमारा एल्पाइन का फोर चैनल एम्पलीफायर, ये हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, या भाई चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये अभी पूरा वायरिंग वगैरह जैसी होती है गाड़ी की वो मैं आपको पूरा एकदम चेकआउट अच्छे से कराऊंगा। बाकी भाई ये आप देख रहे हो कि भाई ये चीज़ क्या है, तो भाई ये काफ़ी तगड़ी एक अतरंगी चीज़ है जो कि है पाइनियर की तरफ से हमारा। भाई ये है अंडर सीट वूफर, तो भाई ये काफ़ी अच्छा बेस दे देता है ये जिनको भाई अपनी गाड़ी की डिक्की को स्पेस खत्म नहीं करनी होती या फिर उनको एक कम बेस ही होता है सो उनको भाई हम ये रिकमेंड करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में जो है डिक्की बिल्कुल कवर नहीं होती प्लस बेस आपको मिल जाता है। तो ये हमारा लगने वाला है पाइनियर का डिजिटल बेस अंडर सीट वूफर, ये हमारा होने वाला है। बाकी वायरिंग भाई इसके अंदर हमने पूरी अपनी यू लगाई, ये हमारा हाइलो कन्वर्टर होने वाला है। बाकी अभी आपको मैं वायरिंग किट पूरी इसकी दिखाऊंगा एंड जैसे ही थोड़ा काम का इस और कंप्लीट होता है मैं आपको इसका अपडेट देता हूँ एंड कस्टमर से भी आपको मिलाएंगे उनका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उनको काम कैसा लग रहा है सो वो भी आपको मैं चेकआउट कराऊंगा। जो हमारा सिस्टम है गाइस वो हमारा स्टॉक रहने वाला है, सो वो आप देख लेना वो हमारा स्टॉक है। किसी को अगर अपग्रेड करना है तो उसका ऑप्शन ये अवेलेबल है ब्लॉकपंक सोनी पाइनियर, किसी को ज़्यादा अच्छा आउटपुट चाहिए तो ये तीनों जो उनके लिए रिकमेंडेड है। बाकी आप एंड्रॉइड की तरफ जा सकते हो। तो जैसे गाइस अभी थोड़ा काम कंप्लीट होता है मैं आपको इसमें अपडेट करता हूँ। जो यहाँ पे फिटिंग का काम सारा कंप्लीट हो चुका है एंड रियर का भाई देखोगे कंपोनेंट्स फिटेड है, ट्विटर से हमारे साइड होने वाले जेल देख लो जेल ऑडियो इधर से आपको दिखाता हूँ भाई। ये हमने जेल ऑडियो का रियर में हमारा ट्विटर होने वाला है। ये हमारा अंडर सीट वूफर है जो कि भाई अभी इसकी वायरिंग का काम हो रहा है। बाकी अभी VIR इसका एल्पाइन का जो हमारा फोर चैनल है उसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, अभी इसका वायरिंग कम्प्लीट हो चुकी है, इसकी अपनी ट्यूनिंग का काम हो रहा है। बाकी देख लेना भाई अभी इस फ्रंट के भी जो ट्विटर है वो भी लग चुके हैं, आप देख रहे हो रॉकफोर्ड फोर्सगेट के फ्रंट में भाई ट्विटर जो लग चुके हैं। क्रॉसओवर अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो भाई ये भी है अपने क्रॉसओवर है हमारे रॉकफोर्ड वाले कंपोनेंट्स का, ये हमारा क्रॉसओवर होने वाला है, ये आप चेकआउट करोगे। तो भाई इसको अभी हम अंदर है वहाँ छुपाने वाले, डोर में हम इसको नहीं लगा रहे क्योंकि डोर में वैसे ही यहाँ पे स्पेस बहुत कम होने वाली है। एंड भाई फ्रंट में हमारा जो कॉम्पोनेंट है वो आप देखोगे पूरा अपना यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसको भाई हमने पूरा ब्लैक कर दिया है एंड ये हमारा रॉकफोर्ड का कॉम्पोनेंट है जो कि भाई हमने फ्रंट में हमारा इंस्टॉल करा है, क्रॉसओवर हमारा इधर है। बाकी भाई अभी इसका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको मैं इसके ऑडियो पे चेक कराता हूँ। अभी आपको भाई अभी देखो इसका वूफर स्टार्ट नहीं है सो अभी मैं आपको जो इसके ग्लिम्स दे देता हूँ कि भाई ऑडियो का रिस्पॉन्स कैसा आने वाला है। भाई हेडफोन जरूर से पहन लेना ताकि आपको ऑडियो का रिस्पॉन्स जो है थोड़ा अच्छे से जस्टिफाई हो सके। I'm
गाइस अभी आपने इसकी ऑडियो सुनी, ऑडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आने वाला है। बाकी भाई अभी ट्यूनिंग का काम जैसे कंप्लीट होगा एंड हमारा जो भाई ये है हमारा डिजिटल बेस कंट्रोलर पायनियर का, ये जब हमारा सेटअप कंप्लीट होगा तब आपको सुनाऊंगा, तब आपको जो फाइनल ऑडियो जो वो चेकआउट होगी। बाकी अभी ऑडियो का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आने वाला है। जो गाड़ी का काम यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड ये अपना फोर चैनल लग चुका है, वूफर वगैरह अपना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपको मैं इसकी आउटपुट चेक कराता हूँ एंड भाई हेडफोन जरूर से पहन। साथ में ऑडियो तो हम लगा ही रहे लेकिन साथ में हम इसके अंदर लगा रहे आईपीएचसी प्रोजेक्टर्स हमारे, तो ये हमारे आईपीएचसी प्रोजेक्टर होने रहे जो हम इस गाड़ी के अंदर लगा रहे हैं। बाकी भैया इनमें अंदर एलईडी कौन सी लगा रहे हैं हम? ड्रिवन की। तो भाई ड्रिवन की एलईडी इसके अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ये हमारी एलईडी होने जो हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। इस साइड का भी अभी खुल रहा है, ये हमारा स्टॉक वाला आता है, तो ये हमारा स्टॉक वाला कुछ ऐसा आता है, इसको हम रिप्लेस करके हमारे एलईडी वाला प्रोजेक्टर लगेंगे। उस साइड का हमारा लग चुका है, तो भाई आपको मैं उधर का एक बार ऑन करके दिखाता हूँ एंड फिटिंग में आपको दिखाता हूँ कितनी प्रॉपर इसकी फिटिंग होने वाली है, ये आप चेकआउट कर रहे हो। एक बार मैं आपको फोन करता हूँ ऑन करके दिखाता हूँ, देख सकता हूँ प्रोजेक्टर के ऑन हो चुके हैं एंड ये प्रोजेक्टर के हमारे थ्रो कुछ सिंगल प्रोजेक्टर का थ्रो कुछ ऐसा आने वाला है, तो ये आप जो चेकआउट कर सकते हो। इस सेट का भी कंप्लीट होने वाला है। हमारी आज की वीडियो में होप तो आप सभी लोगों को हमारी आज की वाली वीडियो पसंद आएगी जिमनी की, जिसके अंदर हमने ऑडियो अपलोड करा, ये सब भी पैकअप होने वाला है कस्टमर को थोड़ी जल्दी, भाई ये सब पैकअप होगा एंड देन ही फिनिश होगा। सो मिलता है सब ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।